धनंजय महाजिक धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पे बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष जी, हमारे एचआरडी मिनिस्टर आदरणीय जावड़ेकर जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल 2017 इंट्रोड्यूस किया है। मैं पूरे दिल से इस बिल का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, इस बिल के तहत 7 दिसंबर 2010 को यूनियन कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें 20 ऐसे आईआईटीज प्राइवेट पार्टनरशिप पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करने का ऐलान किया था, लेकिन उसमें से 15 हुए और उनको अभी तक डिग्रीज ग्रांट करने का पावर नहीं था। मेरे ख्याल से इस बिल में उसका प्रोविजन है, तो इसके लिए मैं मंत्री जी का बधाई दूंगा। दिसंबर 12, 2015 को एचआरडी मिनिस्टर जी ने एक मेमोरेंडम साइन किया है, जिसमें 3 नए इंस्टीट्यूट्स का प्रावधान किया है। और मैं इसी सिलसिले में बस एक ही मिनट में लूंगा कि मैं मंत्री से कहना चाहूंगा कि जैसे आप जानते हैं कि कोल्हापुर बहुत ही प्रॉस्परस प्लेस है, यहाँ के लोग मेहनती है, लोगों में हुनर है, तो मैं चाहूंगा कि कोल्हापुर में भी एक आईआईटी इंस्टीट्यूट ऐसी खोली जाए, क्योंकि सर ये हमारा कोल्हापुर का जो यूनिवर्सिटी है उसको एआईसीटी ने 3rd रैंक दिया हुआ है। कोल्हापुर के एडजॉइनिंग 70 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, तकरीबन आईटी और आईआईटीज के 150 यूनिट्स है, हार्डवेयर यूनिट्स 350 है, 3000 से ज्यादा लोग इनको अभी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। हमारे कोल्हापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक आईटी पार्क का भी वहां पे घोषणा किया है, जिसमें 4 से 5 हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। और इस तरह से ये एक साउथ महाराष्ट्र का एक आईटी हब बन सकता है, जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का प्रस्ताव है, दिल्ली मुंबई के तरफ मुंबई बेंगलोर का भी कॉरिडोर का आपने प्रोविजन किया है, तो उसमें भी इस आईआईटी से बहुत ही मदद हो सकती है। हमारे जो आज यूथ है, हमारे स्टूडेंट्स है, वो यहाँ पे पढ़ते हैं और पूना मुंबई और बेंगलोर में जॉब के लिए इनको जाना पड़ता है। तो अगर कोल्हापुर में अगर ये एक इंस्टीट्यूट होती है, तो आप जानते हैं कोल्हापुर एक इंडस्ट्रियल हब भी है, बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज किर्लोस्कर और रेमंड जैसी कंपनियां हमारे यहाँ पे काम करती हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर यहाँ पे होते ऐसे इंस्टीट्यूट खुलेगी तो और 20-25 हजार लोगों को जॉब जनरेशन हो सकता है। आपके सरकार का नारा था चुनाव के पहले, आपके घोषणा पत्र में आपने लिखा था कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 साल में जॉब दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से इससे इसमें मदद हो सकती है और हम कोल्हापुर में ये करने के लिए हम इंटरेस्टेड है। आप कृपया इस पर विचार करें। धन्यवाद।